तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं ऑनलाइन गेमर और आज की वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि गाइस आप अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में कैसे गाइस एक स्मॉल मॉडर्न हाउस बना सकते हो। तो गाइस फटाफट से गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको 5x5 का प्लेटफॉर्म बनाना है। गाइस देख सकते हो 1 2 3 4 और 5, फिर गाइस यहीं से 1 2 3 4 5, 1 2 3, गाइस सभी साइड से 5x5 करना है। और फिर गाइस इतना होने के बाद आपको गाइस क्वार्ट्स ब्लॉक ऐसे लगा देने हैं बाउंड्री पे गाइस, दो दो। तो गाइस देख सकते हो ऐसे गाइस आपको दो लेयर्स बनानी है जैसा आप देख सकते हो गाइस। तो गाइस इतना होने के बाद आपको इसके ऊपर एक और लेयर लगानी है और गाइस इस डोर को ऐसे ढक देना है गाइस, इस फ्रेम को। तो गाइस इतना होने के बाद गाइस आपको घर के गाइस आपको राइट साइड जाना है फ्रंट से, और गाइस यहाँ पे आपको ऐसे स्टेयर्स बनाने होंगे ऐसे 1 2, और गाइस ऐसे 3, और गाइस यहाँ पे भी कुछ ऐसे। और फिर गाइस आपको यहाँ, तो गाइस इतना होने के बाद आपको यहाँ पे गाइस ये स्टेयर्स लगानी है कुछ इस तरीके से, और फिर गाइस आपको यहाँ पे लीव्स लगाने हैं। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह लीव्स लगाने हैं, और फिर गाइस आपको यहाँ पे ट्रैप डोर्स लगाने हैं डिज़ाइन के लिए। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे 1 2 और 3 गाइस ऐसे स्लैब्स लगाने होंगे, सॉरी गाइस लॉग्स स्ट्रिप्ड वाले। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको 1 2 3 करके लॉग्स लगाने हैं, और फिर गाइस यहाँ पे डोर का गैप छोड़ के आपको यहाँ पे गाइस ग्लास लगाना है कुछ इस तरह से, और फिर गाइस आपको यहाँ पे लगाने हैं गाइस स्लैब्स छत को कवर करने के लिए। तो गाइस कुछ इस तरीके से लगाने हैं, वो गलत लग गए थे पहले। तो गाइस इनको ऊपर से लगाने हैं जैसा आप देख सकते हो गाइस ऐसे। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगाने हैं। तो गाइस इतना होने के बाद हमें, तो गाइस इतना होने के बाद गाइस आपको फैंस लगाने कुछ इस तरीके से जैसा आप देख सकते हो गाइस, जैसे 3 3 ब्लॉक्स ऊपर। तो गाइस इसके बाद हमें गाइस यहाँ पे स्लैब्स लगाने हैं कुछ इस तरीके से, और फिर गाइस इसके नीचे हमें लगाने हैं गाइस लैंटन। तो गाइस देख सकते हो कितना सुंदर घर बन रहा है गाइस हमारा। तो गाइस अभी हमें गाइस दोनों साइड कंपोस्टर और गाइस इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर गाइस जैसे हमें लीव्स लगाने हैं कुछ इस तरीके से। तो गाइस इतना होने के बाद गाइस हमें यहाँ पे गाइस ये ट्रैप डोर लगाने हैं गाइस कुछ इस तरीके से, और फिर गाइस यहाँ पे, और गाइस इससे नीचे वाले ब्लॉक्स की गाइस ऊपर साइड पे हमें गाइस ऐसे लगाना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस अभी हमें आ जाना है गाइस अपने घर की बैक साइड पे, और गाइस हमें पूरी बाउंड्री कर देनी है गाइस घर के अपने। तो गाइस यहाँ से कुछ ऐसे भी करना है कुछ इस तरीके से गाइस। तो गाइस कुछ इस तरीके से बाउंड्री करनी है। तो गाइस इस वाले ब्लॉक का गाइस हटाना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस अभी हमने गाइस स्टेयर्स पे तो ये लगा दिए थे, अब गाइस हमें यहाँ पे भी ऐसे ट्रैप डोर लगा देने हैं। तो गाइस इतना होने के बाद गाइस हमें यहाँ पे स्लैब्स लगाने हैं गाइस स्मूथ कोर्ट्स वाले, और गाइस इस एरिया को कवर कर देना है। तो गाइस मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो गाइस अभी हमें गाइस यहाँ पे गेट लगाना है। तो गाइस हमारा गेट भी लग चुका है कुछ इस तरीके से। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे गाइस ब्लैक कलर का ऐसे बेड लगाना है, और फिर गाइस हमें यहाँ पे, तो गाइस अभी हमें ट्रैप डोर लगाना है, और गाइस बैठ के इसके ऊपर भी एक लगा देना है। हम दोनों को गाइस क्लोज कर देना है अभी गाइस। कुछ इस तरीके से। तो गाइस जब मैंने गाइस पीछे से होल कर दिया था कि गाइस मैं ऐसे खड़ा होकर लगा सकूं, तो गाइस कुछ इस तरीके से, और फिर गाइस क्रॉस हो गए इसके ऊपर भी। अब इसको गाइस हम ऐसे और ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। मैंने छेद कर दिया था कि थोड़ा बैलेंस हो जाए।
तो गाइज अभी मैंने गाइज छेद बंद कर दिया है और गाइज अभी हमें गाइज यहाँ से भी ऐसे स्लैब्स लगाने हैं और गाइज यहाँ पे हमें लैंटर लगानी है। तो गाइज अभी हमें यहाँ पे गाइज पेंटिंग लगानी है, ये गलत लगी। हाँ गाइज कुछ इस तरीके से। तो गाइज अभी हमें यहाँ पे गाइज कारपेट लगाना होगा, ब्लैक कारपेट ऐसे अच्छी लुक देने के लिए। तो गाइज अभी हमें यहाँ पे गाइज आइटम फ्रेम लगा के गाइज इसमें क्लॉक लगा देनी है। तो गाइज अभी हमें नीचे जाना होगा फटाफट से और गाइज नीचे जाके हमें लगाना है गाइज यहाँ पे ग्लोस्टोन और फिर इसके ऊपर गाइज ऐसे कारपेट। तो गाइज अभी हमें क्राफ्टिंग टेबल और गाइज फर्नेस रखने इसके ऊपर और गाइज यहाँ पे लगाने हमें ऐसे चेस्ट और गाइज इस साइड भी और फिर गाइज हमें इस साइड रखना है ऐसे आर्मर स्टैंड। गाइज गलत हो गया। तो गाइज हमें यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे आर्मर स्टैंड लगाने। तो गाइज अभी आप इनको अपनी मर्जी का गाइज आर्मर पहना सकते हो, जैसे गाइज मैं पहना रहा हूँ। अब गाइज यहाँ पे लगाना है डोर। तो गाइज हमें इतना कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो गाइज अगर आपको लग रहा हो कि गाइज आपको ये हाउस बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा हो तो गाइज आप एक और काम कर सकते हो। तो गाइज अगर आप चाहो तो गाइज इसको अंडरग्राउंड बड़ा कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको करना हो तो गाइज कर सकते हो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर गाइज नहीं करना तो आप गाइज ऐसे भी रख सकते हो अपना घर। तो गाइज अभी आपको इनको तोड़ना होगा और गाइज इसके नीचे बना सकते हो अंडरग्राउंड। तो गाइज मैंने इन दोनों को गाइज 4x4 नीचे कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो 4x4। अब गाइज हम शुरू कर सकते हैं, नहीं गाइज 5x5 कर देते हैं और अच्छा रहेगा। अभी गाइज हम इसको आगे तक गाइज खोद लेते हैं जैसा कि देख रहे हो। तो गाइज देख सकते हो गाइज अभी मैंने गाइज थोड़ा छोटा ही बनाया है, लेकिन गाइज ठीक ठीक बनाया। आप यहाँ पे गाइज स्टोरेज रख सकते हो। तो गाइज अभी इसको और अपग्रेड करते हैं। तो गाइज अभी हमें गाइज यहाँ पे लिफ्ट बनानी होगी, इस तरह से। और गाइज हम इस साइड भी लगा देंगे ताकि गाइज पानी का फ्लो अंदर की अंदर ही रहे। अब गाइज हम पानी डालेंगे यहाँ पे। तो गाइज वाटर डालने के बाद गाइज हमें यहाँ पे कैल्प लगानी होगी गाइज पूरी ऊपर तक। तो गाइज कैल्प आ चुकी है। अब गाइज हम नीचे आते हैं वापस से और गाइज अभी हम इस कैल्प को तोड़ेंगे और गाइज इसको तोड़ के यहाँ पे हम लगा देंगे सोल सैंड। तो गाइज देख सकते हो हमारी लिफ्ट काम कर रही है और गाइज इस साइड भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे। और गाइज सबसे पहले तो हम गाइज यहाँ पे पानी डालेंगे और फिर हम यहाँ पे गाइज स्कैल्प लगाएंगे जैसे पहले लगाई थी कुछ इस तरीके से। और फिर गाइज हम यहाँ पे स्कैल्प को तोड़ के यहाँ पे बनाएंगे गाइज मैग्मा ब्लॉक। तो गाइज यहाँ से हम यहाँ से ऊपर आ सकते हैं और गाइज यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। तो गाइज देख सकते हो हमारी लिफ्ट बन चुकी है। तो गाइज आप यहाँ पे अपना इंचेंटिंग रूम बना सकते हो। तो अभी गाइज हम फिलहाल यहाँ पे इंचेंटिंग रूम ही बनाने वाले हैं। तो गाइज अभी बनाना शुरू कर देते हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप गाइज अपनी मर्जी से गाइज डिज़ाइन बना के लगा सकते हो, जैसे गाइज मैं लगा रहा हूँ देख सकते हो गाइज। तो गाइज अभी यहाँ पे हम गाइज लैंटर लगा देते हैं लुक अच्छी देने के लिए, जिससे गाइज रोशनी भी। और गाइज आप यहाँ पे ऐसे गाइज इंचेंटिंग टेबल भी रख सकते हो और गाइज यहाँ पे हम स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं। तो गाइज आप इस पार्ट को गाइज तोड़ के लगा सकते हो। तो गाइज आप यहाँ पे इसको अंदर, तो गाइज आप देख सकते हो गाइज ये हमारा स्टोरेज है। गाइज हमने लार्ज चेस्ट लगा रखी है। तो गाइज ये हमारा स्टोरेज है और गाइज ये हमारा इंचेंटिंग रूम है। गाइज आप अपनी मर्जी से बना सकते हो अपने आइडिया से। और गाइज यहाँ पे हमने ये रख रखी है। तो गाइज यहाँ पे हमने ये लगाया है और गाइज देख सकते हो। और यहाँ से हम गाइज ऊपर आते हैं और गाइज यहाँ से हम नीचे आते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे गाइज ट्रैप डोर भी लगा सकते हो, जिससे गाइज आप आसानी से जा पाओ ये वाली गलत लगी ऊपर ऐसे। तो गाइज ट्रैप डोर भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो गाइज देख सकते हो गाइज हमारा स्मॉल मॉडर्न हाउस गाइज कंप्लीट हो चुका है, जो गाइज काफ़ी गाइज सुंदर लग रहा है। ये गाइज हमारा बेडरूम है। यहाँ पे गाइज ये फ्रेम लग, गाइज हमारी क्लॉक लग रही है टाइम देखने के लिए। गाइज लैंटर्न है। अब गाइज हम चलते हैं मिड फ्लोर पे और गाइज ये हमारा मिड फ्लोर। यहाँ पे तो गाइज इतना कुछ खास नहीं है। तो गाइज अभी हम नीचे जाने वाले हैं और गाइज ये हमारा नीचे जाने की लिफ्ट और गाइज आ चुके हैं। गाइज हम अंडरग्राउंड फ्लोर पे, ये गाइज हमारे इंचेंटिंग टेबल और गाइज स्टोरेज और गाइज ये हमारा आर्मर स्टैंड
और गाइस अभी हम चलते हैं ऊपर। तो गाइस हमारा गाइस घर तो कंप्लीट हो चुका है। गाइस कमेंट सेक्शन में बताना गाइस घर कैसा लगा, और गाइस लाइक ज़रूर मारना गाइस इस वीडियो को गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, और गाइस चैनल पर हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।